नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के द्वारा दर्जन भर से अधिक आदतन अपराधियों को जिले के बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो वहीं खौफजदा कई अपराधी भूमिगत हो चुके हैं। रेवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 12 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इन आदतन अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में फौजदारी अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिगरौली, सीरी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मोनू उर्फ ज्ञानेन्द्र सिंह 36 वर्ष निवासी पीटीएस चौराहा, मन्नू उर्फ मन्नूलाल प्रजापति 22 वर्ष निवासी अमरैया टोला निपनिया एवं भानु उर्फ भानुदेव पांडे 25 वर्ष निवासी ग्राम गढ़वा जिला रीवा को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इसी तरह आदतन अपराधी कैलाश उर्फ बाबा बंसल 22 वर्ष निवासी निपनिया, दिलीप साकेत 28 वर्ष निवासी ग्राम छिजवार जिला रीवा, अनुप कुशवाहा 23 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ, अजय पांडे 22 वर्ष निवासी ग्राम छिवला वर्तमान निवास द्वारिका नगर रीवा तथा दीप कमल उर्फ कंचू चतुर्वेदी 27 वर्ष निवासी समान को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। आज की जो केसेस थे जिला बदर के, ऐसे तत्वों के खिलाफ किए गए हैं जो समाज में शांति भंग करते हैं, और चूंकि ये इलेक्शन का वक्त है, आचार संहिता भी लग गई है, तो ऐसे सभी तत्वों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हीं के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ऐसे लगभग 12 लोगों को आज जिला बदर किया गया है। साथ ही जो पूरे अगर हम लोग जनवरी से अभी तक देखें तो लगभग 80 से 85 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको जिला बदर की कार्रवाई की गई है। उद्देश्य ये है कि रीवा जिले में शांतिपूर्ण मतदान और निष्पक्ष मतदान सभी विधानसभाओं में हो, तो उसके लिए लगातार 107-16 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान या मतदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से कोई अशांति फैलाने की कोशिश ना करें और किसी भी प्रकार से मतदाताओं को असुविधा ना हो। इसके पहले भी जिला बदर की कार्रवाइयाँ कर चुकी हैं? जिला बदर की कार्रवाइयाँ लगातार होती हैं और जब भी ऐसे केसेस आइडेंटिफाई होते हैं उनमें हम लोग सख्ती से निपटते हैं।